दो चीज़ में सोच समझ के जाइएगा, नहीं तो आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ इंटर इंजीनियरिंग का कुछ बारे में, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अक्टूबर से लेकर नवंबर तक एक महीना मैं कंटिन्यू इंटर इंजीनियरिंग में रहा हूँ और क्या क्या मेरा स्थिति हुआ है सब कुछ आज बताऊँगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर चीज़ वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों तकरीबन मैं 18 तारीख को गया था अक्टूबर में इंटर इंजीनियरिंग उज्बेकिस्तान गया था और वापस रिटर्न आया हूँ नवंबर में 18 तारीख को। पूरे एक महीना हो चुका था, हमारा टिकट उकट सब एशिया पावर दिया था, बाकी जो भी है टिकट का पैसा वगैरह सब वो काटे हैं, बाकी जो भी पैसा था हमारा वापस मिल गया। और आने के बाद करीब 15 दिन हो चुका था, 15 दिन होने के बाद तकरीबन 6 तारीख को हमारा मैसेज आया था जो उज्बेकिस्तान से पेमेंट आया। पूरा फुल पेमेंट तो नहीं आया, पेमेंट हमारा आया 12,900 कुछ रुपया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपको मैं स्क्रीन में लगा दूंगा, आप ये मैसेज देख सकते हैं। बाकी और लोगों से मैं बात किया हूँ, भाई साहब तुम्हारा क्या ये मैसेज आया है, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई मेरा तो सेम मैसेज आया है, जो उज्बेकिस्तान लोग रहते हैं उन लोगों से मैं बात किया हूँ, तो उन्होंने उसमें डाउट क्लियर करने के लिए मैं ये चीज़ मैं शो किया ताकि आप लोग समझे और मैं जो भी बात बोलता हूँ सच्चाई बोलता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई हमारा सब कुछ ये सेम टू सेम पेमेंट आया है, जो उन लोग रह रहा था एक महीना हुआ था उन लोगों का पेमेंट आया 25,000 और हमारा 25 से कम आया तकरीबन, क्योंकि उन लोग बोला था पहले से भाई तुम लोग जा रहे हो तो कुछ ना कुछ पेमेंट आएगा। ये जाने से पहले 2 दिन पहले हम लोग का क्या बोलते हैं अकाउंट में साइन कराया, मतलब सारा जो अकाउंट होता ना अकाउंट भरते हैं वहाँ जाने के बाद पूरा अकाउंट भर दिए थे और हमारा केनरा बैंक था और सिप को डाले थे। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ अगर आप वहाँ जा रहे हैं ना, तो आप जा रहे हैं तो आपका अगर केनरा बैंक है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि केनरा बैंक में बहुत जल्दी पेमेंट आ जाता है। क्योंकि वहाँ पूछे थे हम, वहाँ पूछे तो बोलता है कि जितना सारे लोग का केनरा बैंक था उन लोगों का बहुत जल्दी पेमेंट आया, और बाकी SBI बैंक का जिसका जिसका अकाउंट है उन लोगों का लेट है पेमेंट आया, तकरीबन 4-5 दिन पे पेमेंट आया लेट। आप लोग जाइएगा तो आप लोग बराबर स्विफ्ट कोड डालिएगा, स्विफ्ट कोड डालने से आपको फ़ायदा रहता है क्योंकि वहाँ का करेंसी USD मिलता है, USD से यहाँ कन्वर्ट होगा INR में, 1.5 महीना के बाद पेमेंट आ जाएगा आपको। और बाकी अगर फुल काम करेंगे, अगर फुल महीना अगर काम कर रहे हैं आप, तो आपको 2 महीना का पैसा रखेगा और 1 महीना को देगा पैसा, अगर फुल महीना काम करते हैं तो। अगर आप बीच में अगर जैसे कि जा रहे हैं आप करीब 15 तारीख को जा रहे हैं या 20 तारीख को आप जा रहे हैं, चाहे नवंबर में जैसे कि आप जा रहे हैं 15 या 20 तारीख को आप जा रहे हैं, तो आपको अगर 20 तारीख को जा रहे हो तो 10 दिन का पेमेंट हुआ, तो अगले महीना आपको पेमेंट ये मिल जाएगा। अगर आप कंटिन्यू और 1 महीना अगर काम कर रहे हैं कंटिन्यू, तो आपको 2 महीने के बाद पेमेंट आपको मिलेगा, पेमेंट का कोई इशू नहीं है, पेमेंट मिल जाता है। बाकी जो भी मेरे साथ पहले से उन लोग गया था उन लोगों का भाई कुछ नहीं मिला, बात भी किया था भाई लोग से कि भाई तुम्हारा पैसा वैसा मिला, तो बोला कि भाई पैसा हमारा नहीं मिला। बाकी बोला कि भाई तुम्हारा किस्मत अच्छा था कि तुम्हारा पैसा वहाँ से मिला। पर जैसे कि आप कोई भी कैटेगरी में जा रहे हैं, चाहे वेल्डर हो, फिटर हो, कैम बॉस हो, चाहे फोरमैन हो, सुपरवाइजर हो, चाहे ऑपरेटर हो, ड्राइवर हो, आप अगर उस कैटेगरी में अगर जा रहे हैं तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 चीज़ में आपको ध्यान लगा के जाना है, सोच समझ के जाना है 2 चीज़ में, ड्राइवर में और ऑपरेटर लाइन में। 2 चीज़ में सोच समझ के जाइएगा, नहीं तो आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, समझे ना। 2 चीज़ में आपको सोच समझ के जाना है भाई, रिक्स है उसमें जाने के बाद, इस आदमी का कौन काम लगेगा कि नहीं लगेगा वो रिक्स है। जैसे कि ड्राइवर ऑपरेटर में जा रहे हैं तो आपको अगर पहले नंबर तो टेस्ट दिया जाएगा, टेस्ट आप पास कर गए तो आपको 15 से 20 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो ऑपरेटर पहले से काम कर रहा है उन लोगों के पास ट्रेनिंग लिया जाएगा। उस ट्रेनिंग में आपको पेपर में साइन करना रहता है डेली के डेली, और वहाँ पे जहाँ ऑफिस है वहाँ जाकर मोहर मराना पड़ता है डॉक्टर का, आपको प्रॉपर 20 दिन का ट्रेनिंग रहता है, 20 दिन ये काम करेंगे, अगर ऑपरेटर
से पहले का ऑपरेटर अगर बोल दिया कि भाई साइन कर देता है कि भाई ये जो ट्रेनिंग सीखने आया है वो गुड है, मतलब अच्छा है, काम सीख लिया, फिर से आपको उज्बेकिस्तान वाले स्टाफ आपको ट्रेनिंग देंगे। अगर उस ट्रेनिंग में आप फिर से पास हो गए तो आपको क्रेन या जो डंफर में आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसका गाड़ी मिल जाएगा। जो फिर से फेल हो गए उसको फिर से वापस 15 दिन के लिए भेज देंगे। आप सोच समझ के आप लोग जाइएगा अगर इंटरव्यू आता हो। अगर आप इंटरव्यू दीजिए, अगर वहाँ का इंटरव्यू आ रहा है उज्बेकिस्तान का इंटर इंजीनियरिंग, आप इंटरव्यू दीजिए ना, तो आप ऑफिस से डायरेक्ट दीजिए, क्योंकि आपको बजट आपको कम लगेगा, बजट आपको कम लगेगा, आपको सही रहेगा, दिक्कत भी नहीं रहेगा। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो आपको पैसा कम लग रहा है, आप वहाँ जा रहे हैं अर्जेंट के चक्कर में रहेंगे तो करीब एक लाख डेढ़ लाख 1,20,000 आपको देना पड़ेगा। वही मसला है, आप लोग अर्जेंट से मत जाइएगा उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ फंसने वाला जगह है, तो अर्जेंट के चक्कर में मत रहिएगा, आप ऑफिस में जाइए। ऑफिस का मैं नाम बता देता हूँ, उस ऑफिस में जाइए या एशिया पावर जाइए, अभी यूनाइटेड के भी चलता है उसी में, मेन ऑफिस में जाइए, उसका एजेंट का बहुत चक्कर है। तो आप एशिया पावर में जाइए, मुंबई में है, उसका इंटरव्यू आते रहता है, तो वहाँ पे जाइए आप दीजिए इंटरव्यू। और मैं आपको एक ऐप्स के बारे में बता दे रहा हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा इस वीडियो में, तो आपको एक ऐप्स के बारे में बता रहा हूँ। आप प्ले स्टोर में सर्च करें गल्फ जॉब, अब मैं स्क्रीन में लगा दिया हूँ, आप लोग देखिए। और ये ऐप है, आप लोग ये ऐप को सेम टू सेम सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिए, पर वैकेंसी आते रहता है, मेन ऑफिस का नंबर रहता है इसमें, आप लोग देखें और जाएं ऑफिस का। दो आदमी का बहुत ही दिक्कत होता है, ड्राइवर ऑपरेटर का, बाकी सबका सही है बोले तो मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट में सब दे देती है, टेंशन नहीं है, बराबर है भाई, हमारा पेमेंट है तो मैं तो खुश हूँ भाई, बोलूँगा भाई इतना बात है तो। भाई जो आग बका के घर गया था उसका नहीं आया, हम लोग भाई दिन रात उससे लड़ रहे थे, भाई हमारा कितना दिन हुआ है तो कुछ कुछ पैसा दो, तो नसीब के ऊपर में, उसमें नसीब का खेल है भाई। उन लोग जो पहले से आदमी भी गया था ना, उन लोग भी दौड़ रहा था, रो रहा था, भाई हमारा जितना दिन का हुआ 2 महीना रुके हैं उसका भी तो कुछ ना कुछ पेमेंट आना चाहिए, उन लोगों का पहले नहीं सुना भाई। हम लोग लास्ट में बचे हुए थे, करीब 5 आदमी हम लोग जाने के लिए बचे हुए थे, किस्मत अच्छा था, 5 आदमी का ये फिलअप हुआ अकाउंट, हमारा केनरा बैंक का प्रॉपर, मैंने केनरा बैंक में सिप कोड, अकाउंट नंबर, जहाँ का है, ब्रांच नाम, सब कुछ फिलअप कर दिया था। उसके बाद फिर हमारा 2 दिन के बाद फ्लाइट हुआ, इंडिया आया, वापस आने के बाद 15 दिन बीत गया, 15 दिन बीतने के बाद 6 नवंबर को हमारा मैसेज आया कि भाई हमारा पेमेंट आया क्रेडिट के द्वारा, जो आपको मैं पहले ही शो करा दिया, फिर से आप शो देख लीजिए, यही है मैसेज। कैंप बॉस जा रहे हैं, चाहे सुपरवाइजर जा रहे हैं, कुक जा रहे हैं, वेल्डर जा रहे हैं, फिटर जा रहे हैं, ये कैटेगरी में आप लोग जा रहे हैं तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जाइए, आपको बस नए हैं तो जाइए, अगर आप रिटर्न है कहीं से तो रिटर्न आदमी मत जाइएगा, क्योंकि रिटर्न आदमी अगर दूसरे जहाँ जाइएगा तो उसका सैलरी अच्छा मिलता है दूसरे जगह जाने के बाद। अगर पहली बार जा रहे हैं तो आप लोग जाइए, पेमेंट तो मिलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको जो वेल्डर सुपरवाइजर जितने लोग कैटेगरी के बोले हैं ना आपको, चाहे ऑपरेटर, आप लोग साइड में सोना नहीं है, मोबाइल नहीं चलाना है, अगर चलाते हैं तो आपका सैलरी में से कटेगा, परसेंटेज कटेगा पैसा, बराबर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपको कोई ऐसा वीडियो में नहीं बताएगा, सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको। अगर जा रहे हैं आप लोग, जितने सारे कैटेगरी के नाम बोला हूँ, कैम्प बॉस हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे कुक हो, चाहे फोरमैन हो, चाहे ऑपरेटर हो, ड्राइवर हो, उस आदमी को एक ही कैंप में रहना है, अलग अलग नहीं बांटा हुआ है। और कैंप में 6 आदमी रहता है, जो अच्छा वाला कैंप रहता है 6 आदमी रहेगा, जो पर्दा वाला जैसे कैंप रहता है अलग से, उसमें 12 से 14 आदमी रहेगा। तो आपको प्रॉपर मैं बता रहा हूँ, आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं बताएगा, दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत रहता है ड्राइवर या ऑपरेटर की दिक्कत रहता है, उन लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, ये चीज़ सब कुछ दिक्कत रहता है। वेल्डर का भी टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट लेने का अलग सेंटर है वहाँ पे बनाए हुआ है, आप लोग अगर जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा, चाहे जो आपका वेल्डर कॉन्टेक्ट में है तो आप लोग उनसे बात करें, भाई वहाँ टेस्ट लिया जाता है, वो बताएंगे ज़रूर कि भाई हाँ सच में बात है, टेस्ट लेंगे तो आप लोग काम जानते हैं वेल्डर का, तो आप लोग तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाइए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और
जो भी है, और हमारे चैनल पे लाइफ स्टाइल ब्लॉग आएंगे, डेली ब्लॉग आएंगे, नए नए ब्लॉग आएंगे, और क्वालिटी भी थोड़ा अच्छा लाने का कोशिश करूँगा। कुछ समय दीजिए आपको, वीडियो क्वालिटी बहुत ही लो आता है, इसके कारण मैं वीडियो को शूट नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा चलाऊँगा और हंसाते रहूँगा, कॉमेडी करते रहूँगा, एंटरटेन करता रहूँगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अभी जितने लोग अभी देख रहे हैं सब्सक्राइब करके ही जाएं दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करें।